राजधानी शिमला में जेबीटी बैच वाइज भर्ती में बीएड को नियुक्ति देने पर जेबीटी प्रशिक्षुओं ने हिमाचल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने रविवार को पूरी रात सचिवालय से चंद कदम दूरी पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जेबीटी प्रशिक्षुओं को नौकरी नहीं देनी है तो सरकार जेबीटी ट्रेनिंग करवा क्यों रही है। यह सरकार का पैसे कमाने का धंधा है। 3500 प्राथमिक स्कूलों में पद खाली चल रहे हैं जहाँ 2019 से कोई भर्ती नहीं हुई। अब सरकार द्वारा बैच वाइज भर्ती शुरू हो गई है जिसमें बीएड को भर्ती किया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार इस फैसले को वापस ले अन्यथा नौकरी का इंतजार कर रहे 60,000 जेबीटी प्रशिक्षु अनशन पर बैठेंगे। न्यूज डेस्क एनालाइज। 40 से 60,000 ट्रेंड जेबीटीज का है और साथ ही साथ मैं बता दूं हाल ही में अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि 7 तारीख को जो रिजल्ट आउट हुआ है बैच वाइज भर्ती में उसमें एक भी जेबीटी को रिक्रूटमेंट नहीं मिली है और साथ ही साथ हमें ऐसे बीएड कैंडिडेट्स भी मिले हैं जो कि कहीं भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं और वो लोग प्लस टू में 40-40-42% नंबर लेने के बाद कैसे उनको अपॉइंटमेंट दे दी गई, बिल्कुल शिक्षा विभाग का एक फेलियर नज़र आता है और ये बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा एक ही आज मांग रहेगी कि आज इस कैबिनेट में मजबूती से हमारा पक्ष रखा जाए और एक मीडियम वे निकाला जाए। हम डटे रहेंगे और इसके बाद हम भूख हड़ताल शुरू कर लेंगे। सर, इसमें बिल्कुल साफ है कि जब शिक्षा विभाग ही इतना धांधलियों में लिप्त है, अधिकारी लोग ही इतना पे नहीं ले रहे और इस तरह के धांधलियों में पाए जा रहे हैं, तो एक जो मुझे लग रहा है कि शिक्षा सरकार, जो शिक्षा मंत्री है या सीएम साहब है और जो बैठे हुए विभाग में कर्मचारी है, वो बिल्कुल ही आपस में कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और कोर्ट के दिए गए ऑर्डर्स को और एनसीटी की गाइडलाइन को अच्छे से इंटरप्रेट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। कल से आप डटे हुए हैं, क्या कोई सरकार का प्रतिनिधि आया आपसे बातचीत के लिए, कोई बात हुई, क्या कहा? बिल्कुल, कल से हमारे साथ कंटिन्यूसली गवर्नमेंट बातचीत करने की कोशिश कर रही है लेकिन प्रॉपर एक अच्छे से हमको एक कोई सॉल्यूशन नहीं दे पा रही है, जिस वजह से इस बात के लिए हम अड़े हुए हैं कि हमारी मांगों को मानना है तो प्रॉपरली मानो। इस तरह से किसी को भी भेज के या प्रेशर क्रिएट करके हम लोग अपने इस प्रदर्शन से हटने वाले नहीं है।